हमारी एक बार किसी वीडियो में बात हो रही थी, देखिए इतनी वीडियो शूट किया, मुझे वीडियो याद नहीं, आपने ये भी बात बोली थी कि कई बार ब्रांड्स बहुत लॉन्ग टर्म सोच के इंजन बनाते हैं, और ये जो इंजन आए हैं ये A20 कंपेटिबल हैं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसी ने ये भी, देखिए मैं इसको वेरीफाई नहीं मैंने किया, ट्विटर पर भी कुछ चर्चा चल रही थी, तो कई लोगों ने बोला कि फॉरेन कंट्री, आई डोंट इवन रिमेंबर द कंट्री नेम, उसमें किसी, अगर किसी की गाड़ी पुरानी है तो उनको प्योर पेट्रोल की भी ऑप्शन देते हैं, तो वो E20 में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं डालते, वो क्यों फिर प्योर पेट्रोल दे रहे हैं? ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। जो आप फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, मैंने बताया कि हर एक अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी द थिंग्स एंड रूल्स आर डिफरेंट। जिन हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं, दे आर सेल्फ सफिशियंट, ठीक है, एंड उनका कोई मोटिव नहीं है एथेनॉल को ब्लेंड करने का। वो ही आ रहा है इम्पोर्टिंग इकोनॉमी, एंड वी आर इम्पोर्टिंग आवर मोस्ट ऑफ द चंक फ्रॉम द दीज कंट्रीज तो वी कांट जस्ट जस्टिफाई द सेम थिंग, क्योंकि उनका इथेनॉल को ब्लेंड करने का मोटिव नहीं है उस चीज को। दे आर नॉट हैविंग इशू, वही हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारे पास एक्सट्रैक्शन नहीं है। यस वी आर वेरी गुड रिफाइनर्स, वी आर जनरेशन 3 रिफाइनर्स, और हमारी जो जामनगर रिफाइनरी है जहाँ पर सारा ATF लेवल, हाँ वही जामनगर रिफाइनरी लाइन से, वहीं पे इंडियन ऑयल वगैरह का सभी का रिफाइन होता है। पहले ये गल्फ कंट्रीज में रिफाइन को ले जाता, तो डेट इज अ जनरेशन 3 रिफाइनरी, डेट इज यस, वो आज से 6 साल पहले ही Euro 6 फ्यूल को बनाने के लिए कंपेटेबल थी जब उसको लॉन्च किया गया था। सो हम जो बाहर की हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो विंटेज कार्स भी चलती हैं, वहां पर मैं बताना चाहता हूँ, उनके फ्यूल पंप सेल्फ प्राइमिंग नहीं थे तब। एक वर्ड आता है सेल्फ प्राइमिंग, सेल्फ प्राइमिंग होता है कि वहां पर आपको पता है कि Euro 4 से पहले जो पंप्स आते थे मैनुअल आते थे, उसमें प्रेशर गवर्नर स्प्रिंग से नीचे से ही क्रैंक से वहीं से बनाया जाता था, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं ड्यूस टेक्नोलॉजी, पंप ड्यूस टेक्नोलॉजी। तो पंप ड्यूस, अब है सारा सिस्टम CRDI, यस कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, तो CRDI में इसमें पंप ड्यूस टेक्नोलॉजी नहीं है, जो प्रेशर है वो फ्यूल पंप से बनाया जाता है। अब फ्यूल पंप में जो शाफ्ट चल रही है, जो सील चल रही है, वो भी सेल्फ प्राइमिंग है, और जो उसमें आपकी कॉमन रेल है, जैसे हम TSI की बात कर रहे हैं, या Hyundai के GDI की बात कर रहे हैं, या फ्रांस में बूस्टर जेट आया है, वहाँ पे कॉमन रेल रहती है, जो कॉमन रेल में DRV वॉल्व रहता है जो प्रेशर को रेगुलेट करता है, डेट इज ऑल्सो सेल्फ प्राइमिंग, जिसका कि हमने रिजल्ट ये देखा कि जब से CRDI टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, TSI टेक्नोलॉजी, और दिस इज ऑल CRDI टेक्नोलॉजी, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, तो दिस इज नॉट लाइक CRDI इज डीजल, तो हम डी को हम डायरेक्ट ही बोलेंगे, डीजल नहीं बोलेंगे, तो TSI GDI सेम है, तो इसमें ये सेल्फ प्राइमिंग, पहले सेल्फ प्राइमिंग नहीं होते, इसके पीछे मैं एग्जैक्ट रीजन बता रहा हूँ, और पंप ड्यूस थी, पंप ड्यूस होता था कि इंजन से ही नीचे से कैमशाफ्ट से दो गवर्नर स्प्रिंग से आती थी, शाफ्ट आती थी, वही प्रेशर बनाती थी वहां पे, जहाँ फिर ज्यादातर नहीं तो ऊपर ओवरहेड केम में प्रेशर बनाया जाता, तो अब ऐसा नहीं है, अब वो प्रेशर इंजन के बाहर ही बना लिया जाता है फ्यूल पंप से, जो कि बेल्ट से ड्रिवन होता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा यही था, एक वीडियो में आपने मनीष जी बोला हुआ है, देखिए हमारे व्यूअर्स ना बात को पकड़ लेते, कोई बात नहीं, आपने ये बोला था उसमें कि जो इंजन बनाए गए हैं दे आर लॉन्ग टर्म, दे मस्ट बी E20 कंप्लायंट, सो उसका फिर मैं क्या स्टैंड मान सकता हूं आपका? E20 कंप्लायंट, हां जी, आपका कहना था कि जो गाड़ियां अभी लॉन्च हुई है ना, दे लाइक वी अज्यूम्ड, तो वो अजम्पशन का क्या आधार था? मैं बताता हूँ, जो E20 कंप्लायंट में, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, एक होता है प्रोएक्टिव मेजर, एक होता है प्रिवेंटिव मेजर, दो तरह के मेजर्स होते हैं। प्रोएक्टिव मेजर ये होते हैं कि अगर किसी चीज़ में एंजाइटी है, टेक्निकल एंजाइटी है, उस चीज़ को कवर करने के लिए जो फ्यूल सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं, DRV वॉल्व हैं, जो सील्स हैं, अब मैंने, आपने दोस्तों एक मेरा स्टेबलाइजेशन में एक बुटाइल वर्ड सुना होगा, बुटाइल इज, बुटाइल का बेस रहता है रबर, लेटेक्स, ठीक है, तो जो सील्स होती हैं रबर की, जहाँ से क्रोजन शुरू होता है, अब उसी में बुटाइल कंपेटिबल रबर्स को, सील को चेंज कर दिया गया। अब हम कहेंगे जो आपने बताया कि इनको और कंपेटिबल बना दिया गया, हाँ जी, बट अगर हमें जाना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिव, यहाँ पर क्वेश्चन है जो पुराने इंजन उनका क्या, सो मैं ये कह रहा था दिस इज ए प्रोएक्टिव, दिस इज ए प्रोएक्टिव मेजर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड। अब इसमें OMC जो करेगी, डेट इज ए प्रिवेंटिव मेजर, ओके, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डालकर, जो मैंने आपको ब्यूटाइल फिनॉल की बात की है, वो उसको कवर कर रहा है। अब प्रोएक्टिव और जो प्रिवेंटिव दोनों चीजें मिल गई,
तो ओएमसी की तरफ से भी एक एश्योरिटी है और ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर है उसके भी श्योरिटी है। तो मुझे नहीं लगता सर, जो मैंने डेटा बताया है, मैं प्लीज आपके व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वीडियो में बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एडिटिव्स छोड़कर मैं वीडियो को खत्म कर सकता था, बट मैंने डिटेल में चारों इश्यूज को, जो इथेनॉल के प्रॉपर्टीज हैं, मॉइस्चर बनाती है, क्रोजन करती है, ठीक है, अब इसमें मेटल डीएक्टिवेटर्स की जो मैंने बात की, और मॉइस्चर को सोखने के लिए जो इसको स्टेबलाइजिंग जो एजेंट डाले गए हैं, तो मुझे इंडिविजुअली बात करने का मकसद ये था कि पेट्रोल एडिटिव्स मींस व्हाट, क्या डाला गया उसमें, तो ये चीजें डाली गई हैं, बहुत सही, ठीक है। इसका मैं आपको एक जेन्युइन से, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, जहाँ से मैं अपनी हर इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज की मल्टीवर्स लेवल पर मैं जो पढ़ता हूँ, मैं वो शेयर करूंगा, मैं आपको उसकी शेयर करूंगा, ओएमसी से, हाँ मैं आपको डाल दूंगा। प्लीज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप बस जस्ट एंजॉय द कार, और जिनकी पुरानी गाड़ियां वे, मैं कहता हूँ E10 छोड़िए, E0 जिसमें है ही नहीं, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कवर करने के लिए ओएमसी ने काम कर दिया। सो प्लीज मैं इसका आपके फेवर में अगर आंसर देना चाहूँ, देखिए मेरी 10-11 साल पोलो अगर चल रही है, तो उसको पंप को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, E10 क्योंकि मैंने MFA की बात की ना, मल्टी फंक्शनल डीजल जनरेटर जो एक दिन आपने स्टार्ट भी करने में हेल्प की थी, वो भी देखिए कितना पुराना है, लोड पे ही थे अपन चलाने, तो उसमें भी हालांकि डीजल में भी कितने चेंजेस आई हैं अभी टाइम, हां डीजल में अब डीजल का कलर ही चेंज हो गया है, डीजल में कलर चेंज हो गया, बट डीजल में नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं वही बता रहा हूं, डीजल में इन्होंने सल्फर की, सल्फर को कम किया है, पहले 50 ppm था, अब 10 ppm है। सल्फर की ना एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उसको पहले 50 ppm था, अब कितने पार्टिकल्स, अब 10 ppm कर दिया गया, बहुत पतला हो गया फिर तो ना, नो पतला नहीं है, सल्फर देता है लुब्रिसिटी, विस्कोसिटी देता थोड़ी सी, तो फिर वो अब उससे लुब्रिकेशन कम होगी, हां जी, अब हम कहेंगे कि लुब्रिकेशन कहां से आएगी, और अब लुब्रिकेशन कम होगी, कंबशन पे फर्क पड़ेगा, तो कंबशन को करने के लिए अब पेट्रोल में ऑक्टेन वैल्यू है, डीजल में होती है सीटेन वैल्यू, CETAN, तो उसको सीटेन वैल्यू को बढ़ा दिया गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और सल्फर अब जब 10 ppm पे आ गया, अब डीजल हो गया ड्राई, मैंने पहले भी कह रहा हूँ, अगर एथेनॉल ऐसे ही डाल के दे देते तो लाइन लग जाती इश्यूज की, जबकि ऐसा हुआ नहीं है, नहीं हुआ। तो अगर जो मैं ये डीजल लवर्स की बात कर रहा हूँ, जिनके पास डीजल गाड़ियां हैं, तो अगर सल्फर अब 10 से 50 से 10 ले आया, मींस 1/5 कर दिया, डेट इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है, डीजल ड्राई हो गया, बट उसको फिर से कवर करने के लिए उसमें डिटर्जेंट, डिस्पिरेंट्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स और एडिटिव्स को डाल के, अब एडिटिव्स में मैंने आपको पहले बताया था कि इंडियन ऑयल जो ओएमसी है उनका टाइप है टोटल फ्रांस से, ठीक है, टोटल फ्रांस, टोटल लुब्रिकेंट्स है, तो वो हॉटशॉट सीक्रेट के नाम से एडिटिव निकालते हैं, जो कि एडॉन डी की मैंने आप याद है पहली वीडियो में बात की थी, तो वो बाय डिफॉल्ट डल के आता है वहां से पीछे से, मतलब कि डेट इज अ बेसिक एडिटिव, उसके फ्लॉज को खत्म करने के लिए जो कि उसमें ब्लेंडिंग की जा रही है, जैसे सल्फर डीजल में ब्लेंडिंग नहीं की जा रही, क्योंकि डीजल इज अ डिफरेंट गेम, डीजल में सल्फर का कंटेंट कम किया जा रहा है यूरो 6 रेडी करने के लिए, ताकि सल्फर ऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स वगैरह ना निकले, ठीक है, और नॉक्स जो रहती है, तो दिस इज द इशू, मुझे लगता है कि वीडियो 23 हो गई है, और मतलब कि बहुत मैंने कुछ बोला ही नहीं इसमें, कुछ नहीं बोला मैंने, 30 मिनट्स के नीचे नहीं रखनी, तो मैंने तो बोला ही कुछ नहीं आज, वीडियो पर खत्म करते हैं, यस बिल्कुल, आई होप व्यूअर्स प्लीज, बाकी मैं सुंदरदीप जी को पता है मैं क्यों नहीं इतनी देर से अपने ऑटोलक्स पे वीडियो बना पाया, so I will be back in कल वीडियो आएगी, तो कुछ इश्यूज थे, बहुत some health issues were, yes there. yes, thankfully Manish ji yes is doing perfectly all right now, yeah. and I'm very happy to have, तो now I am all right, तो सबसे पहले मैं भैया सुंदरदीप जी के पास ही आया हूँ, मैं कहा अब it's like in second innings और ये हम दोबारा से शुरू करेंगे और साथ चलेंगे, और फिर से कह रहा हूँ ऐसे interesting topics और ऐसी चीजों पर बात इकट्ठे ही होगी हमेशा, सुंदर जी अकेले नहीं करेंगे, मैं अपने चैनल पर अकेले नहीं करूंगा, सो ऐसे जो ये एक कॉमन और बहुत वो रहती है ना, तो ये हम इकट्ठे ही हम देखेंगे, तो हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक 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 फ्यूल की केमिस्ट्री थी, एक हमारी केमिस्ट्री है, तो दिस वाज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इशू, या आई होप जो आपको सभी आंसर्स हैं वो मिल गए होंगे, मुझे भी आंसर्स मिल गए, एंड आई एम फीलिंग क्वाइट, आप पहले आप ही बताइए, वो आप व्यूअर्स तो बाद में फीडबैक देंगे और वीडियो के बाद में बहुत अच्छे कमेंट्स आने वाले, पहले आप ही बताइए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी एंजाइटी क्या है, नहीं अभी जो मैंने आपको बताई है, लॉन्ग टर्म एंजाइटी थी, बट जो आपने एक्चुअली सारे केमिकल्स बताए हैं, स्टेबलाइजर्स बताए हैं, उससे एक ऑब्वियसली आई ट्रस्ट योर वर्ड, अभी भी अगर कुछ मार्जिन है तो बताइए, खुदा ना खास्ता कुछ नहीं हो जाता है, नहीं होता है, तो ब्रांड्स विल दे टेक, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, विल दे कवर इट अंडर वारंटी, यस ऑब्वियसली, देखिए ऑब्वियसली
यस ऑब्वियसली इट विल बी कवर्ड इन द वारंटी अगर जब गाड़ी वारंटी में है वैसे तो इशू आएगा नहीं अब जरूरी नहीं होता कि अगर पंप में इशू आ गया वो जब प्री इथेनॉल ईरा से भी पहले भी इश्यूज आए हैं तो ऐसा नहीं होता कि इश्यूज नहीं आएंगे इसकी वजह से नहीं आएगा बट ठीक है यस ये आपकी बात भी एक सही है मैं उसी से वीडियो खत्म करूंगा कि लाइन लग जाती है अभी तक अब तो लाइन लग जाती है ऐसा कुछ इशू आया नहीं बहुत टाइम से आ रहा है 12:30 तक चला गया एक्सपी 95 पे भी एक टीम बीएचपी पे किसी ने शेयर किया था कि उसमें भी 12:13 तक चला गया है तो थैंकफुली नाउ वी हैव द आंसर्स एंड बिल्कुल एक प्रॉपर पता सुंदर जी वी आर मोर देन 140 करोड़ पीपल यस ठीक है और हमारी जो रिफाइनरीज है वी आर इनकी जो रिफाइनरी है दैट इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी टेक्सास के बाद में ठीक है बीपी से ऊपर और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये लोग फ्यूल बना देते हैं ये उनकी सरदर्दी है दे आर नॉट दिस मच नोविस या इतने वो अनप्रोफेशनल नहीं है कि ऐसा फ्यूल निकाल के दे दे क्योंकि उनका है ये प्रोडक्ट फ्यूल दे आर सेलिंग एंड दे नीड टू इंश्योर द क्वालिटी इट्स नॉट आवर ड्यूटी वी आर मेकिंग एम पेमेंट वी आर बाइंग इट तो जब हम प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उनकी सरदर्दी है उसके फ्लॉज को दूर करना अब वो कैसे करेंगे दिस इज देयर बिजनेस नॉट आवर्स यस तो फ्रेंड्स आई होप यू हैव गॉट ऑल द आंसर्स बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी टू हैव मुनीश जी विद मी अगेन कोई और टॉपिक अगर आपका होगा प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में बताएं विल कवर दैट टॉपिक ऑल्सो थैंक यू सो मच विजिट wallclub.com फॉर जेन्युइन रिव्यूज एंड हिज कंसल्टेंसी थैंक्स गाइज़